Select back button, F R. 13% progress. 190 selected. Record button. 0004. Oh, button, F R. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 169 लेकर के, और संभवतः अब बहुत जल्द उदयपुर कन्वेंशन से जुड़ी हुई तमाम बातें, तमाम यादें इसी कहानी के साथ समेटते हुए, ये नहीं पता मुझे कि अब कितने एपिसोड्स और लगेंगे, लेकिन हाँ बहुत जल्द। तो आज है 17 अगस्त 2021 और ट्यूसडे है आज। तो आज हमारी कहानी का भाग 169 तो दोस्तों पिछले भाग में चर्चा हुई थी कि क्यों हमने एक बार फिरोज़ भाई को भी एक बहुत ही प्रमुख साथी होने का दर्जा दिया था, वो आज सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद कुछ और बातें कन्वेंशन से जुड़ी हुई। तो देखिए थोड़ा सा इसको, इसके लिए आपको भूमिका को समझना पड़ेगा। एक एपिसोड में मैंने आप सबसे ये कहा था कि भाई मोहन जी जो हमारे हलवाई थे, उन्होंने राशन के लिए एक ऐसे व्यक्ति का परिचय दिया था जो हमारे लिए मसीहा साबित हुए। अब वो व्यक्ति कौन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिरोज़ भाई थे। उनसे हम कितना राशन लेके आए थे वो भी मैं बता चुका हूँ, लगभग 92,000 के आसपास का, और वहीं से ही हम प्लेट्स वगैरह जो होती हैं वो भी लेकर के आए थे। तो कुल मिलाकर के 1,00,000 के आसपास का सामान हम उनसे लेकर के आए थे। ये सब आप जान चुके हैं, और ये सारा एस्टिमेट बना करके किसने दिया था, मोहन जी हलवाई ने, ये भी आप जान चुके हैं। तो साथियों अब हुआ ये कि 31 दिसंबर 2017 को कन्वेंशन समाप्त हुआ दिन के लंच के साथ, और जो लोग जा रहे थे उनके लिए पैकेट्स भी तैयार किए गए उसी दिन के लिए, शाम के लिए। कुल मिलाकर के इस तरह से सभी साथियों की विदाई हुई, एक्चुअली ज़्यादातर साथियों की विदाई हुई, लेकिन हमारी विदाई कहाँ होने वाली थी। हमें तो एक एक व्यक्ति का हिसाब करना था, जिन जिन को पैसे नहीं दिए उन्हें सबको पैसे देने थे। तो चूंकि बात चल रही है अभी फिरोज़ भाई की, तो अब नज़र गई सबसे पहले कहाँ, राशन की तरफ। और नज़र नहीं भी जाती तो मोहन जी ने बता दी कि भाई ये तो राशन है, इतना इतना है और ये लौटा दो, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन उस दिन 31 तारीख को तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि हम जो है राशन लौटाने जाते। इस कार्य को 1 जनवरी पर टाल दिया गया कि कल देखेंगे। इधर इस बीच में सबसे पहले भैरूलाल जी का हिसाब किया गया, लगभग 80,000-81,000 के आसपास का, वो भी सारा अपना सामान ले गए। कुछ लोग जिनकी ट्रेन बाद में थी उन्हें हमने जहाँ पर ऑलरेडी बेड्स वगैरह लगे हुए थे वहाँ रुकने के लिए रिक्वेस्ट की वहाँ के लोगों से, तो वो परमिशन हमें मिल गई और हम लोग भी रुके हुए थे। हमारे टीम के भी सारे साथी रवाना हो गए। इधर जयपुर वाले साथी अपने शरद भाई, प्रतीक भाई, सुनीता मैडम, ये सब, और इधर अजमेर से अर्पण सर और उनकी मैडम भी शाम को स्लीपर बस से निकल गए, और उन्होंने यही कहा कि संदीप अब ज़्यादातर काम हो गए हैं तो तुम देख लेना कल सारा काम तमाम करके आ जाना। तो इस बीच में भैरूलाल जी का हिसाब किया, इधर
अनिल जी को भी कैंपर्स वगैरह पहुंचाए जिनके यहाँ से पानी के कैंपर्स वगैरह आ रहे थे। मोहन जी का भी कंप्लीट हलवाई का हिसाब कर दिया गया, वो भी 40-45-50 हज़ार का जो भी था मतलब, और चाहे वो उनका जो जो छोटा मोटा कच्चा माल वो जो लेकर के आ रहे थे या मंगवा रहे थे वो भी, और इसके अलावा भी जो भी इधर देवेंद्र धाम का भी हिसाब करना था, उनसे 10,000 वापस लेने थे। लेकिन वो काम भी हमने 1 तारीख पर ही डाल दिया, देवेंद्र धाम वाला भी। शाम को हम लोग भी थोड़ी देर के लिए समय निकाल करके सेलिब्रेशन मॉल गए, लेकिन बहुत भीड़ हो रही थी क्योंकि न्यू ईयर था और 31st वैसे भी काफ़ी भीड़ होती है, और तब कोरोना भी नहीं था इसलिए भीड़ होनी ही थी। तो बहुत कुछ खास मज़ा नहीं आया मुझे तो, लेकिन जो लोग गए उनको काफ़ी अच्छा लगा, सब ने इन्जॉय किया। इधर भानु तो मेरे साथ रुका हुआ था ही, मेरी वाइफ तो थी, हमारे रीडर्स वगैरह सारे लोग थे, जयवंती मैडम, उनकी फैमिली, सब लोग उस दिन तो रुके हुए थे क्योंकि सबको अगले दिन जाना था, तय यही हुआ था। सबको भेजने के बाद हम जाएंगे, ये एक जिम्मेदारी की बात होती है दोस्तों कि अपने विश्वास पर जो लोग आए हैं उनको सकुशल उनके लौट जाने के बाद ही अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा खुशी होती है। और फिर किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है। इधर उदयपुर के हमारे साथी भी करीब करीब सारा काम हो जाने के बाद उन्होंने भी कहा कि भाई अब विदा ली जाए। एक्चुअली अली का तो कुछ कॉलेज का मसला भी चल रहा था जिसको उन्होंने छोड़ दिया था इस कन्वेंशन के चक्कर में, तो इसलिए भी उन्हें जा कर के कुछ जो अपना कॉलेज का जो काम था वो फाइनल मतलब करना था, या तो टेस्ट था या पता नहीं कुछ था जो भी था कुल मिलाकर के, तो उनका भी जाना ज़रूरी था। और बड़ी मुश्किल से इस कार्यक्रम के लिए परमिशन उनको मिली थी नहीं मिली थी जो भी है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुल मिला करके मैनेज किया था। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी और है दोस्तों जो मैं भूल गया था, लेकिन अब याद आ गई तो बता देता हूँ। अब हुआ ये कि समापन समारोह में एक अतिथि हमने इनवाइट किए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूँ। और दरअसल वो थे अर्पण जी और सुभाष जी, उनके मित्र। वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। अच्छा, उनको बुलाया ये सोच करके था कि शायद वो कुछ मदद करेंगे, और उन्होंने अर्पण जी वगैरह को जैसा कि मुझे उन्होंने बताया फ़ोन पर ये आश्वस्त भी किया था कि भाई 21,000 रुपये की वो मदद कर देंगे अपनी ओर से। अब जब वो वहाँ थे मंच पर तो इन सब ने कहा यार संदीप इनको भी इनवाइट करो, ठीक है उनको इनवाइट किया। साहब उनका तो भाषण समाप्त होने का ही नाम नहीं ले रहा, लगातार 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट, आधा घंटा, मतलब पता नहीं कितनी देर। आखिरकार उन्हें ये बताना पड़ा कि भाई सबको जाना है, तब जाकर के उनका भाषण समाप्त हुआ। लेकिन उस आधे घंटे में उन्होंने किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया और ना ही कुछ सहयोग राशि दी, बल्कि धन्यवाद दे करके निकल लिए। तो काफ़ी धक्का लगा अर्पण जी को और मुझको, हम सबको, क्योंकि हमें तो भाई हिसाब किताब करना था और हम ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन साहब वो मदद नहीं मिल पाई आखिरकार। तो ये भी एक ऐसा वाकया था जो मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने आश्वस्त किया, फिर वो आए भी कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में आने के बाद उन्होंने इच्छा से मंच भी लिया, और मंच लेने के बाद कुछ किया नहीं। तो उस दिन का तो साहब काम जो है कुल मिला करके
31 तारीख का तो ज़्यादातर समय समझिए कि आप आराम में और शाम को सेलिब्रेशन मॉल में, क्योंकि गला इतना ख़राब हो गया था भाई, क्या करें, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी था। तो एक जनवरी को हम लोगों ने ये, जैसा कि कार्यक्रम तय था, दिन में जो 3-4 बजे की जो ट्रेन थी उससे निकलना था। इधर सारा राशन ऑटो में पैक करके मैं और भानु तो निकल गए फिरोज़ भाई के लिए। इधर पीछे दूसरे ऑटो में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे दी इनको, मेरी वाइफ़ वगैरह को, कि वो लोग अपना अपना जो बैग वगैरह है वो सब ले कर के और पहुँचे सीधा स्टेशन। और तय यही हुआ था कि हम सारा कंप्लीट करते हुए सीधा स्टेशन पहुँचेंगे और स्टेशन से फिर ट्रेन में निकल लेंगे, और मतलब देवेंद्र धाम का काम और इधर उधर का जो भी कुछ है वो सब निपटा के हम आएंगे, मैं और भानु। तो हम, मुझे याद आता है लगभग, हो सकता है और भी जल्दी निकल गए हों, मतलब 11-12 बजे ही निकल गए हों। सामान दोस्तों ऑटो में मतलब लोड करने में भी काफ़ी वक्त लगा, जो राशन का सामान था हमने तो कुछ भी छोड़ा नहीं, सारा का सारा कंप्लीट उसमें लोड कर लिया। चिंता ये थी कि पता नहीं अब क्या होगा, वो भाई ने अगर मना कर दिया तो क्या करेंगे। उसको देख करके मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि 2 दिन का और कार्यक्रम हो सकता है उस राशन को देख करके, हालांकि जबकि हमारा अनुभव कुछ भी नहीं था इस मामले में। तो भाई साहब जैसे तैसे फिरोज़ भाई के वहाँ पहुँचे। फिरोज़ भाई ने बड़ी ईमानदारी से, ये बात मैं इसको स्वीकार करता हूँ, बड़े खुले दिल से उनके मन में जो भी कुछ चल रहा होगा एक एक सामान ऑटो से उतरवाया और उसको उन्होंने देखा बकायदा, अपने हिसाब में भी लिखा, और जो पर्ची में जो था उसको काटते गए, जो बच गया उसको हटाते गए। आप लोगों को दोस्तों यकीन शायद आपके लिए करना मुश्किल होगा, जो सामान हमने लौटाया उन्हें पूरा हिसाब किताब करने के बाद लगभग 40-45 हज़ार का सामान। अब आप सोचिए करीब करीब आधा सामान कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है। लेकिन फिरोज़ भाई ने कहा कि ये क्या तरीका है, और आप लोग तो खैर, वो उन्होंने ये हमारे हिसाब से यही उन्होंने कहा हमारे सामने तो, कि भाई आप लोग तो अनुभवी नहीं हो, आप लोग तो जानते नहीं हो। हमने भी ज़ोर इसी बात पे दिया तो उन्होंने कहा मोहन जी को तो अनुभव है, मोहन जी तो जानते हैं इतना सारा राशन कैसे निकाल दिया उन्होंने, 1000 आदमियों जितना करीब करीब, 1000 नहीं तो 500 जितना तो था ही, और आधा सामान कोई लेता है क्या। और ये उनके शब्द थे दरअसल, बड़े दुखी मन से। ठीक है मेरा तो ये हो गया और अब जो भी होगा देखा जाएगा, और ऐसे करके उन्होंने कुल लाके ले लिया। और आखिरकार 49 या 50 थाउजेंड के आसपास का जो भी कुछ था वो सारा बना हिसाब किताब। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात दोस्तों देखिए कि हमारे पास, मेरे पास 10,000 रुपये तो वो देवेंद्र धाम से हमें वापस रिफ़ंड हुए जो उन्होंने पहले एडवांस में लिए थे, और 63,000 में पूरी धर्मशाला बुक हुई थी तो वो उन्होंने लौटाए, वो थे 10,000 और इधर उधर से मान के चलिए आप, तो ऐसे करके 20,000 रुपये करीब थे मेरे पास। और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि अभी तो हम आपको 20,000 ही देंगे, 30,000 नहीं दे पाएंगे। यानी एक व्यक्ति जिसने पहले करीब करीब 1,00,000 का पूरा माल दे दिया, करीब करीब आधा माल वापस ले लिया, जो माल दिया वो उधार दिया, और उसके बाद अब 30,000 रुपये, और वो बंदा हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट किया कि वो उधार रखने को भी तैयार हो गया, जबकि हम तो अजमेर से थे, कहाँ उदयपुर कहाँ अजमेर, लेकिन ठीक है उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की, भाई यहाँ के लोकल बंदे का तुम्हारा नंबर वंबर नोट कराओ ये वो,
तो हमने अली का एड्रेस नंबर सब नोट करा दिया उनको, अली से परमिशन ले करके। तो ऐसे करके उन्होंने हमें फिर कहा कि ठीक है आप 2 महीने बाद लौटा देना। इधर हम इस उम्मीद में कि वो भाई साहब ऑफिसर जो थे वो शायद मदद करेंगे करेंगे, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, लेकिन आखिरकार फिरोज़ भाई को करीब करीब फरवरी के अंत में मैंने अपनी तरफ से 30,000 रुपये की राशि वहाँ पे उनको अकाउंट में भिजवाई यहाँ से। तो ये एक बड़ा ही यादगार लम्हा था कि भाई चलो पैसे वैसे तो देने ही थे, किसी को भी देने थे, लेकिन यार इतना मानवता के साथ कौन काम करता है, लेकिन फिरोज़ भाई ने किया। वहाँ से फ्री होने के बाद दोस्तों जब हम पहुँचे हैं, करीब करीब आप समझिए कि ट्रेन को निकलने में मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट रहा होगा, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। दरअसल हम जब पहुँचे तो भाई साहब हालत ये थी कि ये लोग सब लेडीज़ के डब्बे में घुसे हुए थे, और लेडीज़ का डब्बा और विकलांग का डब्बा कई जगह साथ साथ होता है, तो बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ से हमको गार्ड ने भगा दिया, वहाँ से निकल करके विकलांग डब्बे में पहुँचे। मतलब बड़ा ही अजीब हुआ, टिकट विकेट तो ले लिया था इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने सोचा कि रिक्वेस्ट कर लेंगे, दोनों ब्लाइंड ही तो हैं, क्या है लेडीज़ के डब्बे में बैठने मिल जाएगा, लेकिन नहीं परमिशन मिली। और फिर आखिरकार भानु में और हम लोग जो है वो विकलांग डब्बे में चढ़े और इस तरह से अजमेर पहुँचे। ये कुल मिलाकर के उदयपुर कन्वेंशन की कहानी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी बातें हो सकता है ऐसी रही हों, बची हुई हों, तो मैं अब कोशिश करूँगा कल वाले एपिसोड में कुछ सहयोगियों के भी बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, सहयोग किस किस का रहा, किस किस रूप, हालांकि लगातार चर्चा हुई है लेकिन फिर भी सहयोग तो सहयोग है ना, तो और विस्तार में कुछ इस तरह की चर्चाएँ करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने साथियों की सहयोगियों की कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, तो हर तरह का सहयोग, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सभी तरह का सहयोग हमें बहुत सारे साथियों का मिला। इस तरह से जैसे तैसे भाई लोगों उदयपुर का कन्वेंशन समाप्त हुआ। तो आज तो अब इतना ही, अनुमति दीजिए, और अगर आप लोग आना चाहते हैं, अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, अपनी यादें ताज़ा करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। मिलते हैं कल के कार्यक्रम में।